जब आप पान खाते हो उस तरफ की शान आती है, होठ आपके रास्ते न जाने कितनों की जान जाती है। तो डिंपल की इंस्ट्रक्शन थी भाई, आप कभी घूमते हैं दोनों तो हमेशा यानी ना फ्रंट कैमरा करके आगे की तरफ यानी व्यूज वगैरह दिखाते रहते हो, अपनी शक्लें भी दिखा दिया करो कभी। सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल परमार साहब व्लॉग्स। बहुत ही 80% सेल के चक्कर में हमने पहुंच गए थे वहाँ पे किसान भवन में, मगर निराशा हाथ लगी और अभी हम जा रहे हैं जो मेन हमारा वेन्यू है आज का वहाँ पे जाके आपको डिसअपॉइंट नहीं कराएंगे, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं खुली है चंडीगढ़ में, इवन पूरे नॉर्थ इंडिया में वो पहली चीज़ ऐसी है जो आपको देखने को मिलेगी और बने रही है ब्लॉग। अभी हम सार्थक को खिला रहे हैं अम्बाला की सबसे पुरानी मशहूर दुकान की चाट। तो अभी अभी अम्बाला की ना सबसे पुरानी दुकान वालों की चाट खाने के बाद अब हम पियेंगे अम्बाला वालों की है, वो भी अम्बाला वालों की सबसे पुरानी और फेमस है यहाँ पे फ्रूट बियर, जो भी हम फ्रूट बियर पियेंगे अभी। तो यहाँ पे हम पियेंगे अभी फ्रूट बियर, अभी काफ़ी मशहूर शॉप है अभी यहाँ की सेक्टर 34 की बिहार लाल जी पान वाले, और यहाँ पे आपको मिलेगी मशहूर फ्रूट बियर जो हम दे चुके हैं ऑर्डर, और आप देख सकते हैं अभी जो फूडीज है कितना रश है यहाँ पे। एक नंबर तो पेट पूजा अपनी हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं एक नई चीज आपको दिखाने। और बियर कैसी लगी साथ तक को? फ्रूट बियर, बियर नहीं फ्रूट बियर। हाँ बियर सुन के आ, बियर नहीं पीता ये, मैं भी नहीं पीता बियर भाई, दारू नहीं रे बाबा दवाई है। तो काफी मशहूर है यहाँ की, और आप में से जो भी सेक्टर 34 आते हैं उन्होंने यहाँ की फ्रूट बियर पी होगी जरूर। तो ये हम आज एक्सप्लोर करेंगे भाई यहाँ पे सी वर्ल्ड कार्निवल को, और यहाँ पे जो टिकट काउंटर है ये सिर्फ 30 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ की, और ये अभी सिर्फ 30 अगस्त से ये शुरू हुआ है, और यहाँ पे आपको अंदर देखने को मिलेंगी भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ मतलब फिश टनल यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, यानी आपको भी एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन की, वहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट ले मतलब QR कोड स्कैन करके टिकट ले सकते हो, कैश काउंटर यहाँ पे। भाई ये सही में स्कैम है, बाहर 30 रुपये की टिकट थी पर अंदर आके अगर आपको जो फिश टनल देखनी है तो उसके लिए आप अंदर आके एंट्री भी आपको झटका लगेगा, क्योंकि आप अंडर वाटर फिश टनल के जो टिकट प्राइसेस हैं वो है 150। क्या बोला तूने? आई थिंक पर पर्सन सिर्फ 30 रुपये सिर्फ अंदर आने की एंट्री है आपके लिए,
और हैंड ऑफ वाटर। और बहुत से लोग शॉक हो रहे हैं इस वजह से, सभी ने सोचा कि 30 रुपए में सब कुछ होगा, पर देखो चीटिंग 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 करता है तो आपको खर्च करने पड़ेंगे हैंड ऑफ वाटर फिश टनल टिकट काउंटर के लिए, जो अभी हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसी के लिए आए हुए हैं स्पेशली यहाँ पे। यहाँ से होगी अभी एंट्री भाई अंदर की, और ये भी हम जस्ट एंटर हो चुके हैं फिश टनल में। चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया की पहली एक्वेरियम टनल खोली गई है। ये चंडीगढ़ के सी वर्ल्ड कार्निवाल में स्थित है। इस एक्वेरियम टनल में करीब 2,25,000 मछलियां हैं और अलग अलग तरह के 75 एक्वेरियम बनाए गए हैं। ये टनल इंडिया की सबसे बड़ी टनल है और 180 फीट में बनाई गई है। इस एक्वेरियम टनल में देश के कई हिस्सों से मछलियां लाई गई हैं, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट, पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर 5 फीट तक की लंबी मछलियां हैं और आने वाले समय में यहां और भी अधिक मछलियों की वैरायटी लाई जाएगी। इस एक्वेरियम टनल में लोग एक ही जगह पर आसानी से मछली की एक से बढ़कर एक वैरायटी देख सकेंगे और उनके बारे में जान सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है और ग्राउंड पर इसका काम पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये है वही स्पेशल जगह। यहाँ पे आगे जो 150 रुपए आपने दिए वो वसूल होते हैं। ये देखिए यहाँ के सभी के मुंह से यही निकल रहा है, ये 150 रुपए की वसूल है। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. तो यहाँ पे फैमिली के साथ आप ज़रूर प्लान करें। यहाँ पे फिश टनल जो मेन चीज़ है यहाँ की एक्सप्लोर करने की, वो बाकी तो यहाँ पे कॉमन चीज़ है जो फेयर में होती हैं। तो काफ़ी यानी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, है ना। और फूड वगैरह का पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट है, काफ़ी फास्ट फूड कॉर्नर्स यहाँ पे हैं। तो डिम्पल की इंस्ट्रक्शन थी भाई, आप कभी घूमते हो दोनों तो हमेशा यानी ना फ्रंट कैमरा करके आगे की तरफ यानी व्यूज वगैरह दिखाते रहते हो, अपनी शक्लें भी दिखा दिया करो कभी। अच्छा। बात करते हो मतलब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आज हमने उसकी कमी पूरी जो शिकायत वो दूर कर दी। तो आज हमने एक्सप्लोर किया, पहले हम गए थे अभी सेक्टर 35 के किसान भवन में, जहाँ पे बहुत ही बेकार सी सेल थी, सुना बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मगर वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद हम आगे सेक्टर 34 में, यहाँ पे मेला ग्राउंड में, यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया फिश टनल जो मेन हमारा पर्पज़ था आने का। और उसके बाद आप देख सकते हो अंदर काफ़ी यानी एक्टिविटीज़, जो झूले वगैरह यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं और काफ़ी सेल के लिए काफ़ी आइटम्स हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है। तो ज़रूर यहाँ पे फैमिली के साथ प्लान करें आने का। क्या हुआ, कॉल नहीं कनेक्ट हो रही तो
ये डिंपल भी ऑनलाइन ज्वाइन कर चुकी है हमारे साथ, देखिए वीडियो कॉल पे। हाय बोलो ब्लॉग में, हेलो ब्लॉग में आ रहे हो आप सेलिब्रिटी। फायर पान खिलाओ ना, फायर पान खिलाओ जी इनको। हाँ जी हाँ जी, कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई? जब आप पान खाते हो उस तरफ की शान आती है, होट आपके रास्ते न जाने कितनों की जान जाती है। वाह वाह। पान खाइए आप, खिड़की खोलिए, शटर बंद करो। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस है फायर पान का? तो फायर वाला पान फर्स्ट टाइम ट्राई करने के साथ ही इस ब्लॉग को हम खत्म करते हैं। तो और बढ़िया, उम्मीद करेंगे आपको ये ब्लॉग पसंद आ गया। तो दोबारा से आपको बता दें, ये जो फेयर लगा हुआ मेला लगा हुआ, ये लगा 34 के सेक्टर 34 में, और यहाँ पे जो मेन जो आपको देखने के लिए इसको आना पड़ेगा वो है फिश टनल, जो है 30 रुपीज एंट्री टिकट है यहाँ के लिए। और अगर फिश टनल आपने एक्सप्लोर करनी है उसके लिए 150 पर पर्सन आपको टिकट उसका लेना पड़ेगा अंदर, तो इसलिए आपको बता दें। और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहेगा उसके लिए, और अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त आज फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह पे। तब तक जो लोग नए हैं चैनल पर भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और शॉर्ट्स थोड़ा सा हमने नए डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी 2-3 शॉर्ट्स भी डाले तो प्यार कुछ अच्छा, उसका रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। कोशिश करूंगा वैसे ही और डालने की। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय देवा।